आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये काम कैसे करेगी इनेबल करने के बाद। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड में देखिए राइट साइड के टॉप पर एक डॉट का ऑप्शन होता है, डॉट पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब ये पेज आता है छोटा सा, इसमें आपको सेटिंग का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे की साइड ये कैरियर कॉल सेटिंग, कैरियर कॉल सेटिंग पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। अब आपका इस तरीके से पेज आएगा ना, आपका रीडिंग सेटिंग होगा थोड़ी देर तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बीच में अपने फोन का कोई भी बटन अभी नहीं दबाना है जब तक आपका ये रीडिंग सेटिंग होगा। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पे 10-12 सेकंड का वेट करना है। देखिए दोस्तों, हमारा पेज जो रिफ्रेश हो गया, अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के ठीक सामने आपको ये बटन को टैप करके ऑन करना है। ठीक है, तो इस ऑलवेज फॉरवर्ड के सामने वाले बटन को टैप कीजिए तो आपका एक ये पेज आता है छोटा सा ऑलवेज फॉरवर्ड का। देखिए इसमें एक ये नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर आपको जो है ना, ये मैंने अपने फोन में पहले भी कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल किया था, इसलिए यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन के पेज पे वो नंबर दिखाई नहीं देगा कोई भी। ठीक है, आपको एक नंबर कोई भी एंटर करना है। ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी एक नंबर एंटर करना है। देखिए आपको मैं एक बात क्लियर समझा देता हूँ कि आपको नंबर यहाँ पे कौन सा एंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर छोड़कर ना, अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, जैसे मेरा फैमिली का मोबाइल नंबर है, तो आपको नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर यह राइट क्लिक का ऑप्शन है, राइट क्लिक पे टैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेज थोड़ी देर अपडेट होगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों जो हमारा पेज है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के सामने ये बटन ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे नंबर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस तरीके से आपकी ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है ना वो इनेबल हो जाती है, ऑन हो जाती है। ठीक है, अभी कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होने के बाद अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा मोबाइल फोन है और मैंने अपने मोबाइल फोन के कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग में अपने फैमिली का मोबाइल नंबर एंटर किया है। ठीक है, मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है तो ये कॉल फॉरवर्डिंग मैंने इनेबल कर दी है। अभी काम कैसे करेगी, देखिए आप कोई भी पर्सन जो है ना मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा ना, तो वो कॉल मेरे नंबर पे नहीं आएगा, वो कॉल सीधा इस वाले नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो जिस लोगों के पास मेरे मोबाइल नंबर है ना, वो सारे के सारे लोग जब मेरे को कॉल करेंगे तो कॉल मेरे नंबर पे नहीं आएंगे, वो सारे कॉल इस वाले नंबर पे चले जाएंगे। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है। ठीक है,